नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में देखेंगे 28 जून के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, नेम द इंडियन अंपायर हु हैज़ बिन इंडक्टेड इन आईसीसी एलीट पैनल। तो आईसीसी का एक एलीट पैनल होता है अंपायर्स का, उसमें शामिल किए गए भारतीय हैं नितिन मेनन। नितिन मेनन क्रिकेटर रहे हैं और 22 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अंपायरिंग शुरू कर दी थी और इन्हें अंपायरिंग करते हुए 15 वर्ष हो गए हैं। इनके पिताजी भी क्रिकेटर थे। आपको बता दें, इससे पहले भारत के दो अंपायर आईसीसी एलीट पैनल में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम है एस वेंकट राघवन और एस रवि। आपको यह भी बता दें कि जो 2023 का वर्ल्ड कप होना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह कम्प्लीटली भारत में होगा। आज तक जितने ही वर्ल्ड कप भारत में हुए हैं वह कम्प्लीटली नहीं हुए हैं, या तो बांग्लादेश में होता है। जैसे आपको पता होगा, 2011 का जो उद्घाटन मैच हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, तो इस बार जो होगा वो पूरी तरह भारत में होगा 2023 में। और 2023 13वां एडिशन होगा वर्ल्ड कप का। आपको बता दें, मात्र 3 दफ़ा भारत ने वर्ल्ड कप का आयोजन किया है, वह है 1996 में, 2011 में और 1987 में। प्यारे साथियों, तो भारत का यह चौथा टाइम होगा जब भारत आयोजन कर रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट्स यूजिंग ड्रोन। साथियों, आपको पता है यह ड्रोन है, इसमें बेसिकली इसको यूएवी बोलते हैं। यूएवी मतलब अनमैंड एरियल व्हीकल। बेसिकली यह अनमैंड एयरक्राफ्ट व्हीकल से यह कंसेप्ट आया था कि एक अनमैंड एरियल व्हीकल बना सकते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कि मिलिट्री से लेके एग्रीकल्चर तक। तो इसी तरह भारत में इसका इस्तेमाल लोकस्ट को मारने में किया जा रहा है। यह बेसिकली इसमें स्प्रे कंटेन किया जाता है और यह स्प्रे लोकस्ट पे छिड़के जाते हैं। आपको बता दें कि जो ड्रोन है यह सेंसर्स और एक्चुएटर का यूज करते हैं। तो सेंसर जो है बेसिकली इसे डेटा देती है कि आसपास कौन सी चीज़ें हैं, और इस हिसाब से उस फीडबैक लूप पे ये अपने आप को मैनेज करती है। और इसमें कंप्यूटिंग पावर काफ़ी हाई होता है, तो रियल टाइम में जो भी फीडबैक मिलता है वो काफ़ी जल्दी जल्दी मिलता है। और एक्चुएटर से इसके स्पीड से लेके काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। तो सेंसर, एक्चुएटर और हाई कंप्यूटिंग पावर के कारण ड्रोन कार्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में इस ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किया गया लोकस्ट को मार गिराने में। लोकस्ट का मतलब होता है हिंदी में टिड्डा। नंबर 3, विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू अमेंड इट्स सिटीजनशिप एक्ट। तो यह देश है नेपाल। नेपाल की जो सरकार है, जिसके भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने कहा है, केपी ओली ने, कि वह सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव लाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि भारत सरकार ने जो उनको बोला है कि भारत के नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है। इसका नाम है, ये हैं विनी महाजन जी। तो विनी महाजन बनी है पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। और इनका काम है कि यह चाहती हैं कि पंजाब में जो भी कोऑर्डिनेशन है वह काफ़ी चरम सीमा पर जाए, क्योंकि इनका यह कहना है कि पंजाब में प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और काम, सारे काम सिलोस में होते हैं। मीन्स अलग अलग सिलोस में सारे डिपार्टमेंट्स बटे हैं। नंबर 5, हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम इन विस्डन इंडिया पोल। तो विस्डन की एक सूची जारी होती है, इसमें जो पोलिंग के हिसाब से आज तक के सबसे ग्रेट टेस्ट बैट्समैन भारत का खिताब दिया गया है, वह है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अभी हाल में भारत के अंडर 19 टीम को भी ट्रेनिंग देते थे, उसके कोच थे। नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेलिब्रेटिंग संकल्प पर्व। संकल्प और पर्व किससे एसोसिएटेड है? यह जुड़ा है प्लांट ट्रीज। तो आपको पता है वृक्षों का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि कि पर्यावरण सही रहे और क्लाइमेट चेंज जो कि आने वाला समस्या है उसे पहले से ही तैयार रहें हम उसे लड़ने के लिए। आपको क्या पता है मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? यह है भारत के
मिनिस्टर ऑफ कल्चर, और इनके ही पास मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी है, यह हैं प्रहलाद पटेल। तो प्रहलाद पटेल जी मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म दोनों हैं, और यह सांसद है एमपी से, एमपी के दामोह कॉन्स्टिट्यूएंसी से यह सांसद हैं। इससे पहले कल्चर मिनिस्टर थे महेश शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है कि टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में जिसे रिलीज किया स्टार्टअप जीनोम, उसमें भारत का एकमात्र शहर कौन था? यह है बेंगलोर, जो कि 26वें या 27वें स्थान पे था। आपको बस यह जानकारी रखना है कि भारत की तरफ से टॉप 30 में बेंगलोर था। फोन पे पार्टनर्ड विद विच बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल? तो मल्टी बैंक मॉडल क्या होता है? मल्टी बैंक मॉडल बेसिकली वैसा मॉडल है जैसे फोन पे है, तो यह काफ़ी ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि बस यह यस बैंक पे डिपेंडेंट था। तो जैसे ही यस बैंक में आउटेज आता है या कोई बैंक फेल हो जाता है तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए एनपीसीआई ने एक तरीका निकाला जिसका कि नाम है मल्टी बैंक मॉडल। इसमें यह है कि हर एक ऐसे जितने भी प्लेयर्स हैं जैसे फ़ोन पे हो गए, उनको एक या एक से ज़्यादा बैंक के साथ पार्टनरशिप करना है ताकि किसी भी पेमेंट फेलियर रिस्क को रिड्यूस किया जा सके किसी भी केस में, जैसे कि आउटेज हो जाए या कोई बैंक फेल कर जाए। तो फोन पे ने हाल में ही किया आईसीआईसीआई बैंक के साथ। बढ़ते हैं। विच कंट्री इज सेट टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक इन 2023? यह है रसिया। 2023 में यह टूरिस्ट को स्पेस वॉक पे ले जाने वाला पहला देश बनेगा। और आखिरी प्रश्न, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम लाइव स्टॉक ऑनर्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो प्यारे साथियों, यह थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।